Hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing extremely well, and this is your very own Mars Code this side. So आज का क्वेश्चन है स्वैप एंड मैक्सिमाइज. सो प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रॉब्लम कहता है हमको एक एरे गिवन है, हमको एक एरे गिवन है, ठीक है. हमको इसको परम्यूटेशन, हमको एक इसकी ऐसी परम्यूटेशन फाइंड करनी है, एक ऐसी परम्यूटेशन जिसके अंदर हमारे सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स, बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स इज मैक्सिमम, राइट. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस कॉन्फिगरेशन को देखें 4 2 1 8, सो 4 2 1 8, राइट. सपोज ये एक एरे है, तो इसके अंदर सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स का मतलब क्या है? 4 माइनस 2 का मॉड वैल्यू प्लस 2 माइनस 1 का मॉड वैल्यू प्लस 1 माइनस 8 का मॉड वैल्यू. नाउ इट ऑल्सो सेज दैट ट्रीट दिस एरे एज अ सर्कुलर एरे. सो एरे को हमको एक सर्कुलर एरे को कितना ट्रीट करना है, जिसका मतलब है कि 8 के आगे 4 आ रहा है. सो 8 माइनस 4 इज ऑल्सो वन ऑफ माई पेयर. तो इसका आंसर क्या होगा? 4 माइनस 2 गिव्स मी 2, 2 माइनस 1 गिव्स मी 1, 1 माइनस 8 गिव्स मी माइनस 7, बट मॉड वैल्यू है तो 7 हो जाएगा. 8 माइनस 4 इज अगेन 4. So, सबको ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? 14, राइट. ये एक परम्यूटेशन थी, ये सपोज ये P1 था. ऐसे बहुत सारी परम्यूटेशन होगी. वी नो कि फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स द परम्यूटेशन फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल, मतलब इसकी 24 डिफरेंट परम्यूटेशन है. उन सब परम्यूटेशन में जो मैक्सिमम ऐसे वाला सम देगा, हमको वो सम बताना है, हमको ये सम बताना है. वी डोंट हैव टू टेल द परम्यूटेशन, वी हैव टू टेल द सम. सो हाउ कैन वी सॉल्व इट, हाउ कैन वी सॉल्व इट? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज हमने क्या कन्फिगर किया कि परम्यूटेशंस के थ्रू हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, परम्यूटेशंस के थ्रू, राइट. सो अगर ब्रूट फोर्स की बात करें तो यही हो गया ना कि सारी परम्यूटेशंस निकाल लो. सो ऑल परम्यूटेशंस, जिसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? रिकर्जन यूज करना पड़ता है, राइट. ठीक है, सो सारी परम्यूटेशंस निकाल लो एंड कीप द मैक्सिमम सम, एंड कीप मैक्सिमम सम, एंड कीप मैक्सिमम सम. बट द प्रॉब्लम इज कि रिकर्जन के थ्रू अगर सारी परम्यूटेशन निकाल लेंगे तो पिक और नॉट पिक वाली अप्रोच यूज करेंगे, एज वी नो, राइट. बट उसके बाद क्या होगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 2 to the power n चली जाएगी, जिसमें n है लेंथ ऑफ एरे. सो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. हमको कुछ एफिशिएंट सोचना है, हमको कुछ एफिशिएंट सोचना है. सो हमने क्या देखा, हमने यूज की रिकर्जन, राइट, वो नहीं लगी. ठीक है, क्वेश्चन का नाम क्या है? स्वैप एंड मैक्सिमाइज. जब भी आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ऐसा कुछ दिखे ना, तो ट्राई टू थिंक ऑफ फर्स्ट थिंग रिकर्जन, जो कि हमने सोच लिया. ठीक है, अगर रिकर्जन से हो रहा है, ट्राई टू थिंक क्या उसके अंदर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग ले पा रहे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प हो पा रही है क्या उसमें? इसके अंदर नहीं हो पा रही है. ठीक है, क्योंकि हमको सारी परम्यूटेशन से निकाल नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्कुलर एरे गिवन है ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं हो पा रही है. थर्ड चीज क्या है? ग्रीडी एल्गोरिथम. जब भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का प्रॉब्लम आएगा तो इन तीनों में से एक से ही सॉल्व होगा, राइट. सो ग्रीडी, ग्रीडी अप्रोच. सो स्वैप एंड मैक्सिमाइज, ठीक है. हमारे पास एरे क्या था? 4 2 1 8. एक बार हम अगर ट्राई करें सोचने की हमको क्या मैक्सिमाइज करना है, हमको सम ऑफ पेयर डिफरेंसेस, सम ऑफ पेयर डिफरेंसेस को हमको मैक्सिमाइज करना है, राइट. सम ऑफ पेयर डिफरेंसेस को हमको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. प्रॉब्लम अंडरस्टूड. सम ऑफ पेयर डिफरेंसेस, तो मतलब अगर हम इस टर्म को, मतलब हर पेयर डिफरेंस को मैक्सिमाइज करेंगे तो उसका सम भी डिफरेंस मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट सम लेना है हमको, राइट. तो पेयर डिफरेंस को हमको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ताकि हमारा सम बढ़ जाए. ओके, पेयर डिफरेंस कैसे मैक्सिमम हो सकता है? पेयर डिफरेंस कैसे मैक्सिमम हो सकता है? डिफरेंस मैक्सिमम कैसे होता है? डिफरेंस मैक्सिमम कैसे होता है? डिफरेंस का मतलब क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी को कैसे मैक्सिमम करूंगा मैं? ए को बढ़ा दो जी और बी को घटा दो, मतलब उन दोनों में जो, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ा दो. वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है यूजिंग सॉर्टिंग. ग्रीडी के अंदर सॉर्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू थिंक ऑफ. ठीक है, मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ. मेरा सॉर्टिंग का एरे कैसे दिखेगा? 1 2 4 8. मेरा एरे हो गया 1 2 4 8. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया हमको गैप बढ़ाना है. ऑब्वियसली हमको, मेरे को क्या दिख रहा है कि 1 माइनस 8 है ना, जो वो सबसे ज्यादा गैप दे रहा है. ठीक है, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 1 और 8 को साथ रखो. मैं बोल रहा हूँ कि 1 और 8 को साथ रखो ताकि मैं उसका डिफरेंस का फायदा उठा सकूँ. ठीक है, 1 8. ऑर्डर हमें मैटर नहीं कर रहा. क्यों नहीं मैटर कर रहा? क्योंकि 1 माइनस 8 मेरे को देता क्या है?
-7, बट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 7। तो एक तरीके से मैं 8 कौन लूँ या 1 8, 7 ही आ रहे हैं मेरे पास हाथ में, तो ठीक है 1 8 मैंने ले लिया है। अब क्या होगा, जो या जो एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट होगा, जो एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट होगा उसका डिफरेंस किसके साथ लिया जाएगा, इसके साथ। 1 हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, सो 1 इज आउट ऑफ क्वेश्चन, 8 इज आउट ऑफ क्वेश्चन। 2 और 4 में से मेरे को क्या लेना चाहिए, ऑब्वियसली जो एलिमेंट 8 के साथ सबसे ज्यादा डिफरेंस देगा। कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा डिफरेंस देगा, 2, राइट, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर है। तो 1 से ज्यादा सबसे ज्यादा डिफरेंस देगा 1 के साथ, 1 के बाद देगा 2 से सबसे ज्यादा डिफरेंस, तो मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा। अब 2 इज ऑल्सो आउट ऑफ क्वेश्चन, मेरे को यहाँ पे क्या पुट करना है, अब मेरे को यहाँ पे ऑब्वियसली 1 वैल्यू बची है मेरे पास, लेकिन 2 के साथ सबसे मैक्सिमम डिफरेंस कौन देता, 8 देता, बट 8 यहाँ पे बचा नहीं, तो क्या बचा, 4। सो 4 यहाँ पे लिखो, जो जस्ट स्मॉलर है। सो 1 8 2 4, 1 8 2 4, एंड ऑब्वियसली दिस 4 विल ऑल्सो कम गिव सम डिफरेंस विद दिस 1। सो नाउ क्या बन गया, 1 -8, उसके बाद 8 - 2 का एब्सोल्यूट सम, फिर 2 - 4 का एब्सोल्यूट सम, और बिकॉज सर्कुलर आ रहे हैं तो दिस 1 विल गो विद दिस, दैट इज 4 - 1, जो कि आ जाता है 7 6 2 3, विच इज इक्वल्स टू 18। सो माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 18, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमारा फर्स्ट स्टेप था सॉर्ट, हमारा फर्स्ट स्टेप था सॉर्ट, दैट इज 1 2 4 8 आ जाए। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको ऐसे अरेंज करना है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट आए, दैट इज A1, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, फिर लास्ट एलिमेंट आए, दैट इज An-1, फिर सेकेंड एलिमेंट आए, दैट इज A2, फिर लास्ट सेकेंड एलिमेंट आए, An-2, ठीक है। उसके बाद एरे खत्म हो जाता है, क्योंकि A3 और An-3 तो ओवरलैप कर गया। बट अगर इसी चीज को मैं कंटिन्यू करूं, अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूला में देखूं, A1 An-1, A2 An-2, A3 An-3, A4 An-4, ये जाएगा कब तक, ये जाएगा कब तक, ये जाएगा An/2 तक, ये जाएगा An/2 तक, An/2 An/2, एक टर्म को तो बोल ही नहीं सकता, तो An/2 पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, An/2 पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो अब एक चीज देखते हैं, सपोज मेरे पास दो एरेज लेता हूँ मैं, इवन और ऑड लेंथ के, ठीक है, 1 2 4 8 इज एन इवन, सो 1 2 4 8, सो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, A1 An-1, A2 An-2, ठीक है। एन क्या है मेरा यहाँ पे, 4, सो क्या हो रहा है, A1 A3 A2, सॉरी A1, नॉट दिस नॉट 1, दिस इज 0, सॉरी, राइट, 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही 0 1, सो ऐसे ही 0 3 2, एंड दिस इज 0 3 1, एंड दिस इज 2, राइट। सो क्या हो रहा है, मेरा ये वाली वैल्यू जो है वो n/2 के इक्वल है। इवन के टर्म में कहां तक जा रहा हूं मैं, n/2 तक जा रहा हूँ, इवन के टर्म्स में मैं n/2 तक जा रहा हूँ, राइट, क्योंकि 4/2 इज 2। बट जो ऑड वाले आ रहे हैं 1 2 4, इसके अंदर क्या होता, पहले मेरा 1 लेता तो A0 आ गया, फिर An-1 आ गया, दैट इज A2, 2 है ना ये इंडेक्स, 0 1 2, फिर A1 आ गया। सो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इट इज गोइंग अप टिल 2/2, इट इज गोइंग अप टिल 2/2। बट नाउ इफ यू थिंक ऑफ इट, नाउ इफ यू थिंक ऑफ इट, 1 2 4 8, इसके के अंदर की हो क्या रहा है, इसकी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई वो हमने बनाई कि 1 8 2 4, राइट। तो इसके अंदर हम जनरलाइज्ड हम बात करते हैं, A0 An-1 A1 An-2, ऐसा कुछ हो रहा है, राइट, ओके, लेट मी चेंज माय इंक। हाँ, सो अब इसका अगर मैं सम निकाल लूं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 1 8 2 4, बट इन द फॉर्म ऑफ A0 N-1 एक्सेट्रा, सो इट इज इक्वल टू A0 - An-1 का मॉड वैल्यू प्लस An-1 का माइनस A1 का मॉड वैल्यू प्लस A1 - An-2 का मॉड वैल्यू प्लस An-2 - A0 का मॉड वैल्यू, राइट। ये हो रहा है हमारा ई वन के लिए, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो A0 - An-1 है ये पक्का रिवर्सल होगा, क्यों, क्योंकि A0 सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है और An-1 सबसे लार्जेस्ट टर्म है, तो ये कैसे खुलेगा, ये वाला मॉड खुलेगा An-1 - A0 से। प्लस क्या हो रहा है, An-1 - An, तो ये तो ऐसे ही खुलेगा कि ये वाली वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी, सो An-1 - A1 जो ऐसे ही खुलेगा, बट यहाँ पे फिर रिवर्सल हो जाएगा, सो An-2 - A1, राइट, फिर आगे An-2 - A0, राइट। तो आप देख सकते हो कि A0 A0 दो बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, A1 A1 दो बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
बट ए एन माइनस वन और ए एन माइनस वन एंड सिमिलरली ए एन माइनस टू और ए माइनस टू दो बार ऐड हो रहा है, राइट? सो क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लास्ट की टर्म्स थी, मतलब कि आफ्टर सॉर्टिंग दिस एरे बिकम 1 2 4 8, तो स्टार्टिंग की टू टर्म्स थी ऐड हो रही है ट्वाइस इन द मैक्सिमम कॉन्फिगरेशन, और ये वाली सब्ट्रैक्ट हो रही है ट्वाइस। सो यही करना है हमको, क्या करना है हमको, एक फोर लूप चलानी है जो कि 0 से n बाय 2 तक जाएगी, एंड इट विल डू सम व्हाट व्हाट इट विल डू, इट विल से सम प्लस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लास्ट वाली, सो दैट इज n माइनस i माइनस 1, ठीक है, और सम माइनस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ i, ith एलिमेंट दैट इज arr ऑफ, ठीक है, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे हम arr लिख के, राइट? टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो गई, क्योंकि हमने सॉर्ट किया तो ओ ऑफ एन लॉग एन, उसके बाद हमने एक ट्रैवर्सल किया तो ओ ऑफ एन व्हिच विल बी रिड्यूस्ड टू ओ ऑफ एन लॉग एन बीइंग द ग्रेटर टर्म। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ 1, दैट्स इट, इतना ही है ये क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द कोड नाउ। सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंट एन इक्वल्स टू arr डॉट साइज, फिर हम निकालेंगे लॉन्ग लॉन्ग सम इक्वल्स टू 0, फिर हम क्या करेंगे फॉर इंट आई गोइंग फ्रॉम 0 अप टिल एन बाई टू आई प्लस प्लस, क्या करना है, सम प्लस इक्वल्स टू 2 स्टार arr ऑफ एन माइनस आई माइनस 1, और उसमें माइनस क्या करना है, स्टार्टिंग के एलिमेंट दैट इज 2 स्टार arr ऑफ आई, राइट? एट लास्ट रिटर्न सम, इतना ही करना है, लेकिन इससे पहले सॉर्ट भी करना है। सो आई फॉरगॉट द स्टेप, arr डॉट बिगिन arr डॉट एंड। Let us try to compile and run it. Hope it will work fine. Will not give any error. Working fine. Let us try to submit it as well. Okay, so test case is passed. Thank you for watching. Hope you liked it, and we'll meet you tomorrow. Till then, stay tuned and make sure to subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.